ओम नमः शिवाय लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्या चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा, जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों कहते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पौधा है शतावरी का। इसे शतावरी के नाम से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम लोग ही शतावरी का प्रयोग करते होंगे। क्या आपको पता है कि शतावरी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कहाँ मिलता है और शतावरी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। ये आप अनेक बीमारियों की रोकथाम या इलाज में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शतावरी के फायदे के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं। दोस्तों, शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली शतावरी एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़े होती है। ये जड़े लगभग 30 से 100 सेमी लंबी एवं 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। जड़ों के दोनों सिरे नुकीली होती है। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफेद जड़े निकलती है। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो गीली एवं सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसके कंध छोटे मांसल फूले हुए तथा गुच्छों में लगे हुए होते हैं। इसके कंध का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। यह झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके कंध छोटे और मोटे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और फल घोल होते हैं। कच्ची अवस्था में फल हरे रंग के और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसके कंध शतावर से छोटे होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके वनस्पति नाम के बारे में। तो इसका वनस्पति नाम वाइल्ड एस्पारागस है। इसे संस्कृत में शताब्दी, शतपदी, शतमूली तथा हिंदी में सतावर, सतावरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें, तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं शतावरी के आयुर्वेदिक फायदा के बारे में, फिर जाएंगे इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फायदे लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदीय गुणकर्म उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होनी जरूरी है। ये दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका पहला आयुर्वेदिक फायदा है, नींद ना आने की परेशानी में। कई लोगों को नींद ना आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका लें। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद ना आने की परेशानी खत्म होती है। कहने का मतलब यह है कि शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसका दूसरा इलाज है, वह है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सौंठ, अजगंधा, मुलेठी तथा भृंगराज को समान मात्रा मिले और इनका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिए। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। इसका तीसरा फायदा है, वह है स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए। दोस्तों, कई महिलाओं को मां बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी शतावरी के फायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट का दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध अधिक होता है। इसी तरह शतावरी को गाय के दूध में पीसकर सेवन करें। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए। दोस्तों, जो लोग शारीरिक कमजोरी या शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, को घी में पकाकर मालिश करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में शतावरी के फायदे बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं।
दोस्तों इसका पांचवा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है स्वप्न दोष का। इलाज में स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना लें। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कोट पीस लें। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिली दूध के साथ सुबह शाम लें। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए। दोस्तों इसका छठा फायदा है, वह है सूखी खांसी के उपचार के लिए। सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो 10 ग्राम शताब्दी, 10 ग्राम अड़ूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिली पानी के साथ उबाल लें। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। कफ होने पर शताबरी एवं नागवला का कांडा और चूर्ण को घी में पका लें। इसका सेवन करने से कफ विकार में लाभ होता है। दोस्तों इसका सातवां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है मूत्र विकार के इलाज के लिए। दोस्तों शताब्दी पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 मिलीलीटर और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं, ऐसे में 10 से 30 मिलीलीटर शतावर के जड़ का काढ़ा बना लें। इसमें मधु और चीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेशाब की जलन की बीमारी में 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला लें। इसे आधा लीटर पानी में उबाल लें। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। दोस्तों इसका आठवां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है बुखार में शतावर और गिलोय के बराबर बराबर भाग के 10 मिलीमीटर रस में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिए। इससे बुखार में लाभ होता है। 20 से 40 मिली काढ़ा में 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से बुखार में लाभ होता है। दोस्तों इसका नौवां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है आंख के रोग में 5 ग्राम शताब्दी जड़ को 100 से 200 मिलीलीटर दूध में पका लें। इसे छानकर पीने से आंख के रोगों में लाभ होता है। पुराना घी, त्रिफला, शताब्दी, परवल, मूंग, आंवला तथा जौ का रोज सेवन करें। इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। दोस्तों इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है पेचिश में ताजी शतावर को दूध के साथ पीस छान लें। इसे दिन में 3 से 4 बार पीने से पेचिश, मल के साथ खून आने की बीमारी फायदा होता है। शताब्दी से बने घी को पीने से पेचिश में आराम मिलता है। इसका 11वां फायदा है, वह है पुरानी पथरी के रोग में पथरी की बीमारी से परेशान मरीज 20 से 30 मिलीलीटर शताब्दी के जड़ से बने रस में बराबर मात्रा में गाय के दूध को मिलाकर पिए। इससे पुरानी पथरी भी जल्दी गल जाती है। दोस्तों ये था इसका आयुर्वेदिक फायदा का बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपके तरक्की रुक गया है, आप जहां भी जाते हैं आपके मान हानि होता है, आपके धन हानि होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चलिए जानते हैं कि रुकी हुई तरक्की को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके जो पत्ता है इसको आपको लाना है, धूप दीप दिखाना है, उसके बाद आपको गंगा जल में डुबाकर आपको इसको अपने पर्स में रखना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रुका हुआ तरक्की है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगा। आप जहां भी जाएंगे आपके मान सम्मान होगा, आपके दिन दुगनी रात 4 गुनी तरक्की होगा, आपको जीतने भी बिगड़े हुए काम है वह काम बनने लगेगा। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान ना रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा, इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण।